गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बेटा? हैव यू डन योर हॉलीडेज होमवर्क? आई होप यू ऑल हैव डन. नाउ वन मोर थिंग, दैट इज अबाउट योर प्री मिड टर्म एग्जाम. येस, योर सोशल साइंस रिजल्ट वॉज वेरी गुड, सो वेल डन. सो बेटा, टुडे वी विल स्टार्ट आर इकोनॉमिक्स बुक चैप्टर 2. सो प्लीज़ ओपन योर बुक्स. ओके, सो इन दिस चैप्टर द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. We will discuss about the sectors of Indian economy, and we know very well because we have learned about these sectors in 8th class also, in 9th class also, but some in detail we will discuss in this class also. So we know very well that there are three sectors: primary sector, secondary sector, and next is tertiary sector. Okay, so if we talk about our activities in your book on page number first, means first page of this chapter, it is given that we do many activities for our earning, for our livelihood. Like economic activities, we have discussed in 9th class also that what are economic activities. Those activities we do for monetary gain, means jinko hum monetary gain ke liye, paisa kamane ke liye jin activities ko hum karte hain. Understood? We have done this now. So वी डू मैनी एक्टिविटीज़, लाइक हमारा फार्मिंग हो गया, मीन्स एग्रीकल्चर हो गया हमारा, ठीक है, शॉप्स हो गए हमारा, बिजनेस हो गया हमारा, इंडस्ट्रीज़ हो गई हमारी. सो वी डू मैनी एक्टिविटीज़ ना. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वी कैन डिवाइड दी इन दीज थ्री पार्ट. सी, इफ़ यू टॉक अबाउट द एक्टिविटी नेचर, मीन्स जो एक्टिविटी है उसका नेचर कैसा है, जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं मॉनेटरी गेन के लिए, मीन जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, if we talk about their nature, so we can divide into three parts: first primary sector, second secondary sector, and third one is tertiary sector. Understood? Now the second thing, if we talk about the nature of employment, means jo log activities karte hain, if we talk about on the basis of their employment, then employment ke base par un activities ka nature kaisa hai, then it is of two types: organized sector and unorganized sector. Understood? Now the third thing is, if we discuss on the basis of ownership, ki ownership ka nature kaisa hai, then we divide this into two parts: public sector and private sector. Understood? So in this chapter beta, we will discuss these all things: the nature of activities, nature of employment, and nature of ownership. Understood? So let's start our first, that is nature of activity, means जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उन एक्टिविटीज़ का नेचर कैसा होता है. या तो वो प्राइमरी सेक्टर में जाएंगी, या वो सेकेंडरी सेक्टर में जाएंगी, या फिर वो टर्सरी सेक्टर में जाएंगी. लेट सी, इफ सपोज एक पर्सन है, फार्मर है, देन वो किस सेक्टर में जाएगा? प्राइमरी सेक्टर में, बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट एग्रीकल्चर इज़ प्राइमरी एक्टिविटी. ओके, इफ वी टॉक अबाउट बिजनेस पर्सन, इंडस्ट्रियल, तो वो किस में जाएगा? हमारा सेकेंडरी में, बिकॉज इट ही मेक थिंग्स, ही प्रोड्यूस थिंग्स. अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट थिंग, कि एक पर्सन है जो कि बैंकिंग में सर्विस प्रोवाइड करता है, या फिर होटल में है, तो वो किस में आएगा? हमारा सर्विस सेक्टर में, बिकॉज दे प्रोवाइड सर्विस ना, तो वो किस में आएगा? हमारा टर्सरी सेक्टर में. सो अंडरस्टूड? सो लेट्स लुक ऑन दीज एक्टिविटीज़. फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर व्हाट इज़ दिस? एसोसिएटेड विद नेचर, मीन्स ये नेचर से जुड़ा हुआ है, मीन्स वो सारी एक्टिविटीज़ जिन एक्टिविटीज़ को करने के लिए हम नेचर पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, वी डिपेंड ऑन नेचर फॉर दीज एक्टिविटीज़. दीज ऑल एक्टिविटीज़ कॉल्ड, या विद दीज ऑल एक्टिविटीज़ कम इन प्राइमरी सेक्टर. अंडरस्टूड बेटा? लाइक हमारी फार्मिंग हो गई, हमारा माइनिंग हो गया, क्योंकि माइन्स में से हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और मिनरल्स वी नो वेरी वेल दैट दे आर ऑल्सो गॉड गिफ्टेड ना, नेचर गिफ्टेड ना. एंड नेक्स्ट हमारा जो फिशरी हो गया, ठीक है, माइनिंग हो गया हमारी, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया, ऑल दीज थिंग्स वी इंक्लूड इन प्राइमरी सेक्टर. एंड दिस सेक्टर ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो, बिकॉज मोस्ट ऑफ मीन्स ऑल एग्रीकल्चर पार्ट इंक्लूड इन दिस सेक्टर ओनली. अंडरस्टूड बेटा? एंड दीज प्रोवाइड बेस टू अदर सेक्टर्स. So primary sector, we can say this is the first sector, this is the base sector, because it provide base to
other sectors, do other activities. Understood beta? Now come on the next sector, and that is secondary sector. See, it is included in its name also. Secondary means second, जो second number पर आता है, ठीक है? So secondary sector means after primary sector, that is second sector, that is secondary sector. अब secondary sector देखो क्या है कि हमने suppose हमने cotton plant grow किया, ठीक है? Cotton plant harvesting के बाद हमारे पास आए cotton. अब उस cotton को हम direct use नहीं करेंगे ना, हमारे लिए यूज़फुल कब होगा? जब वो टेक्सटाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन जब क्लोथ्स बन जाएंगे. और क्लोथ्स कब बनेंगे? जब उसको इंडस्ट्री में लेकर जाएंगे हम, ठीक है? इंडस्ट्री में उसको क्लोथ्स में कन्वर्ट करेंगे, टेक्सटाइल में कन्वर्ट करेंगे. ओके, सो सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है? जो प्राइमरी सेक्टर्स की जो कुछ थिंग्स होती हैं उनको यूजेबल बनाने के लिए वो कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में, कि वो हमारे लिए यूजेबल बन जाए, ठीक है? जैसे टिम्बर है, ठीक है? अब टिम्बर से या फिर जो हम जड़ी बूटियाँ जो हमें फॉरेस्ट एरिया से मिलते हैं उनसे मेडिसिन बनाना, तो ये सारा हमारा किस में आ जाता है? सेकेंडरी सेक्टर में. अंडरस्टूड? सो सेकेंडरी सेक्टर बेटा, इट कवर्स एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, मीन्स जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू वो क्या करते हैं? प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, यूजेबल थिंग्स में चेंज करते हैं. सो अंडरस्टूड? अब सेकेंडरी सेक्टर में हमारी सारी की सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री सेक्टर भी बोलते हैं. सो इट इज़ डन. नेक्स्ट, टर्सरी सेक्टर. अब टर्सरी सेक्टर, ऑल अदर जॉब्स कम अंडर दिस सेक्टर. अब जितनी भी जो दूसरी सर्विसेज बची हुई हैं, जॉब्स बची हुई हैं, किस में आएंगी? हमारी टर्सरी सेक्टर में. नाउ वन मोर थिंग, कि जो टर्सरी सेक्टर है वो कोई भी थिंग्स प्रोड्यूस नहीं करता. अब टर्सरी सेक्टर, सी दिस सेक्टर डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग एंड दिस सेक्टर प्रोवाइड सर्विसेज ओनली. ये सेक्टर क्या करता है? सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करता है. नाउ सी, कि जो हमारी फार्मिंग है, सपोज क्रॉप्स है, क्रॉप्स हार्वेस्टिंग के बाद जो सरप्लस में क्रॉप्स होती हैं, हमारा मेन मोटिव क्या होता है? कि अपने यूज़ के लिए जो हमारी है उसको रखे, बाकी जो वीट है, वीट का प्रोडक्शन हुआ उसको क्या करते हैं हम? ग्रेन मार्केट में जाके सेल करते हैं ना. अब ऐसा तो नहीं है ना कि जितना भी एक्स्ट्रा सरप्लस में जो वीट हम उसको सिर पे उठाएंगे और चले जाएंगे मार्केट में. नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल ना. सो फॉर दिस व्हाट वी रिक्वायर ट्रांसपोर्ट ना. ओके, सो दिस ट्रांसपोर्ट इज इन दिस सेक्टर, टर्सरी सेक्टर सर्विस. सो जो टर्सरी सेक्टर है वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. अब सर्विसेज कैसी? ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गई हमारी, कम्युनिकेशन सर्विसेज हो गई हमारी. सो अंडरस्टूड? बैंकिंग सर्विसेज हो गई हमारी, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई हमारी, होटल सर्विसेज हो गई हमारी. तो ये सारा का सारा किस में आएगी? जितनी भी सर्विसेज है हमारी टर्सरी सेक्टर में आएंगी. सो अंडरस्टूड बेटा? सो दिस इज़ क्लियर. प्राइमरी सेक्टर मीन्स इट इज़ एसोसिएटेड विद नेचर. हम इसके लिए नेचर पर डिपेंड होते हैं, इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं. ये बेस प्रोवाइड करता है. देन आफ्टर प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर विल कम. ओके, सेकेंडरी सेक्टर इट मीन्स इट कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल इन यूजेबल थिंग्स. ओके, नेक्स्ट टर्सरी सेक्टर. टर्सरी सेक्टर ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये डेवलपमेंट में हेल्प करता है. किसकी? प्राइमरी सेक्टर की भी और सेकेंडरी सेक्टर की भी. क्योंकि क्या है कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनने के लिए भी क्या चाहिए? कम्युनिकेशन की हेल्प चाहिए ना, ट्रांसपोर्ट की हेल्प चाहिए, एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो दिस टर्सरी सेक्टर प्रोवाइड हेल्प टू दीज टू सेक्टर्स. अंडरस्टूड? सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस देयर इंटरडिपेंडेंस विद ईच अदर, दैट हाउ दीज थ्री सेक्टर्स इंटरडिपेंडेंट विद ईच अदर. अंडरस्टूड बेटा?